तो भाई सोनी के वेनम वर्स ट्रिलॉजी की थर्ड फिल्म यानी कि वेनम द लास्ट डांस, जिसे टॉम हार्डी ने खुद के लिए वेनम फ्रेंचाइज की लास्ट फिल्म भी बताया है, वो कल फाइनली सिनेमा थिएटर्स में रिलीज हो गई। अब भाई हालांकि इस फिल्म के ट्रेलर के बाद से ही फिल्म के विलेन नल को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट तो थी, पर एट द सेम टाइम सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए फैंस को इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़े बहुत डाउट्स भी थे। तो भाई क्या ये फिल्म फैंस के एक्साइटमेंट को जस्टिफाई कर पाती है या फिर फैंस को एक बार फिर से सोनी वालों की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ती है, आइए इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइट एंड दिस इज द मूवी रिव्यू ऑफ वेनम द लास्ट डांस। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई अगर फिल्म के प्लॉट की बात करें तो फिल्म शुरू होती है सिम्बायोट्स के क्रिएटर नल को दिखाते हुए, जिसे सिम्बायोट्स ने क्लिंटार पे कैद करके रखा हुआ है, और इसी कैद से बचकर निकलने के लिए नल को एक बहुत ही स्पेशल चीज की जरूरत है जो केवल और केवल वेनम और एडी के पास है। तो भाई ऑब्वियसली इसी चीज को रिट्रीव करने के लिए नल ने ज़ेनोफेज नाम के क्रिएचर्स को वेनम और एडी के पीछे अर्थ पे भेजा हुआ है। अब भाई क्या वेनम और एडी इन ज़ेनोफेज नाम के क्रिएचर्स से खुद को बचा पाते हैं या फिर नहीं, वेल यही इस फिल्म की कहानी है। अब भाई इस फिल्म को देखने से पहले आई वुड रिकमेंड कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि ये फिल्म सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है, जिसका रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड इतना भयानक है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस खुद ब खुद समुद्र में गोते लगाने चली जाएगी। और भाई जब आप इस लो एक्सपेक्टेशन के साथ इस फिल्म को देखने जाएंगे तो ही आप इस फिल्म को काफी बढ़िया तरह से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि भाई जस्ट लाइक वेनम लेट देयर बी कार्नेज, इस फिल्म की स्टोरी में भी ना तो कोई डेप्थ है और ना ही कोई इमोशनल कनेक्ट। इनफैक्ट फिल्म की स्टोरी इतनी प्लेन और सिंपल है कि आप इसे एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हालांकि एट द सेम टाइम वेनम फ्रेंचाइज की बाकी मूवीज की तरह ही एक बार फिर से इस फिल्म का सेविंग ग्रेस है टॉम हार्डी और इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स। जहां पे एक तरफ आपको फिल्म में किसी के साथ भी कुछ भी होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वहीं दूसरी तरफ आप थ्रू आउट द फिल्म एडी और वेनम के बीच के इमोशंस को फील करते हुए लगातार ये सोचते रहते हो कि भाई इन दोनों के साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। साथ ही भाई पिछली फिल्मों की तरह ही फिल्म में जो हमें एडी और वेनम के बीच की कॉमिक टाइमिंग देखने को मिलती है वो भी काफी जबरदस्त है। हालांकि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे एक्टर्स ने कोई खराब काम किया हो, लेकिन भाई क्योंकि फिल्म में एडी और वेनम के अलावा अदर कैरेक्टर्स का स्क्रीन टाइम ही काफी कम है, सो उस वजह से उनका इम्पैक्ट फिल्म में फील होता ही नहीं है। इनफैक्ट जिस नल को सोनी वाले इस फिल्म के मेन विलन की तरह एडवर्टाइज कर रहे थे, उसका इस फिल्म में उतना ही रोल है जितना ट्रेलर में था। और फिल्म के असली विलन है ज़ेनोफेज नाम के वो ब्रेनलेस क्रिएचर्स जो थ्रू आउट द फिल्म वेनम और एडी के पीछे पड़े रहते हैं। हालांकि भाई अगर फिल्म में सीजीआई और विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो वहां पे आपको इस फिल्म में कोई भी शिकायत फील नहीं होगी। इनफैक्ट फिल्म के लास्ट 20 से 25 मिनट्स में जो एक्शन आपको देखने को मिलता है उससे आपका पूरा पैसा वसूल एंटरटेनमेंट होगा। अब भाई ओवरऑल वेनम द लास्ट डांस फ्रेंचाइज की बाकी फिल्मों की तरह ही एक ठीक ठाक सुपर हीरो जॉनरे की फिल्म है, जहां पे फिल्म की स्टोरी एक बार फिर से काफी प्लेन और सिंपल है, जिसका फोकस एक बार फिर से एडी और वेनम के कैरेक्टर की केमिस्ट्री पे ही होता है, जिससे आप एडी और वेनम के बीच के बॉन्ड को फील करते हुए दोनों के बीच की कॉमिक टाइमिंग के साथ साथ इमोशंस को भी फील कर पाते हो। हालांकि ऑन द अदर साइड फिल्म में दूसरे कैरेक्टर्स का स्क्रीन टाइम इतना कम है कि आपको फिल्म में किसी से भी कोई कनेक्ट फील होता ही नहीं है। इनफैक्ट फिल्म का विलन नल भी आपको फिल्म में उतनी ही देर के लिए देखने को मिलता है जितना आपने ट्रेलर में देखा था, जिसकी वजह से नल इस फिल्म में बस एक पेपर विलन की तरह फील होता है। और भाई इन्हीं सारी रीजंस की वजह से इट्स एन एवरेज फिल्म फॉर मी, जिसे आप अगर चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीकेंड एंजॉय कर सकते हो। हालांकि फिल्म देखने से पहले ये ध्यान रखना कि अगर इस वीकेंड दिवाली की सफाई नहीं करी तो घर पे उड़ते हुए चप्पल पड़ सकते हैं। बिग रीजन टू वरी। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा वेनम द लास्ट डांस मूवी का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।